हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं मैगी से कुछ नया नाश्ता। तो यहाँ देख लेते हैं, मैं यहाँ पर एक गिलास से कम पानी ले रही हूँ। इसे हम उबलने के लिए चढ़ा देंगे। जब उबल जाए तो हम इसमें मैगी डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर पानी उबल चुका है, मैं मैगी को तोड़ करके डाल रही हूँ। इसे अच्छे से एकदम पका लूँगी मैं यहाँ पर। यहीं पर मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ। एक पैकेट जो मैगी मसाला है मैं वो डाल देती हूँ इसमें, और थोड़ा मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। देखिए आधी चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी नमक हम डालेंगे। मैगी मसाला में तो नमक रहता है, आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। देखिए अब हो चुका है, इसे हम उतार लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच गेहूँ का आटा ले रही हूँ। हम थोड़ा नमक भी इसमें डालेंगे और थोड़ा काली मिर्च पाउडर भी इसमें लेंगे। आधी चम्मच के करीब हमें काली मिर्च इसमें डालना है। और यहीं पर हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें घोल बना लेना है, पतला घोल बना लेना है। इसे ऐसे घोल बना करके धीरे धीरे पानी डाल करके घोल बनाएं, एक ही बार पानी ना डालें। मैं यहाँ एक अंडा भी ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं एक अंडा ले रही हूँ। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जो अंडा नहीं खाते हो वो इस जगह पर चावल का आटा ले सकते हैं। ऐसे अच्छे से हम घोल बना लेंगे, तब बिल्कुल हमें पतले घोल की ज़रूरत है। देखिए जैसे चीला बनता है वैसे हम चीले की तरह इसे बना लेंगे। मैं यहाँ पर 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड तेल है, हमें ज़्यादा तेल की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आइए हमें चम्मच के हिसाब से डालना है। यहाँ पर 1 चम्मच हमें घोल इसमें फैला देना है। देखिए यहाँ पर जब ये हो जाए, यहाँ पर मीडियम गैस रखना है। जब हो जाए तो इसे पलट लें, जल्दीबाजी ना करें पलटने में। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर 1 चम्मच चिली सॉस लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर टमेटो सॉस भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर फैला चुकी हूँ। इस पे हम मैगी रख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ऐसे ही हमें मैगी को लगा लेना है साइड में। ऐसे हमें रोल के शेप दे देना है। देखिए दोस्तों हमें रोल को शेप दे देना है ऐसे। इसे अच्छे से हम पका लेंगे थोड़ी देर, 1 मिनट तक हम इसे पका लेंगे रोल करके। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये नाश्ता बहुत बढ़िया लगता है। आप बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, जब मन करे तब बना करके ले सकते हैं। यहीं पर मैं देखिए सारे नाश्ते तैयार कर चुकी हूँ। तो हमारा सामान तो वही रहता है, लेकिन हमें थोड़ा इधर उधर करके नाश्ते को हम लोग बहुत बढ़िया टेस्ट दे सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया नाश्ता बना है ये। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।